नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनम। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जहां आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस नाम से और उस ब्रांड से आप सभी काफी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। जी हां, जोमैटो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि क्या है ये जोमैटो। क्या आप जानते हैं कि जोमैटो कैसे बना एक ब्रांड? तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी विषय पर, जोमैटो के ब्रांड बनने की कहानी। तो शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की, कैसे मिला ये आइडिया, कैसे बना जोमैटो भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी। 2008 की दोपहर थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी के दिल्ली दफ्तर में काम करने वाला एक लड़का लंच करने कैंटीन पहुंचा। वहां पहले से दर्जनों लोग मौजूद थे और खाने के मेन्यू को लेकर अफरा तफरी मची थी। ऐसी स्थिति में सामान्य लोग दो काम करते हैं, पहला किसी तरह धक्का मुक्की करके फूड ऑर्डर और दूसरा भीड़ कम होने का इंतजार। ये दो काम सामान्य तौर पर लोग करते ही हैं। लंच करने पहुंचे लड़के ने दोनों स्वाभाविक रास्तों को छोड़कर एक तीसरा रास्ता निकाला। इस रास्ते से न सिर्फ भारत को एक फूड टेक यूनिकॉर्न मिला, बल्कि घर बैठे खाना मंगवाना, मैसेज भेजने जितना आसान हो गया। आज हम सुना रहे हैं जोमैटो के ब्रांड बनने का अद्भुत किस्सा। जी हाँ, आईपीओ आने और को फाउंडर गौरव गुप्ता के इस्तीफे की वजह से जोमैटो चर्चा में बना हुआ है। आइए अब जानते हैं कैसे हुई इसकी शुरुआत। ऑफिस कैंटीन से इसकी शुरुआत होती है, जो 10 करोड़ से ज्यादा फूड डिलीवरी कर चुके जोमैटो की शुरुआत ऑफिस कैंटीन से ही बनती है। कैंटीन के मेन्यू कार्ड के लिए मची अफरा तफरी देखकर आईआईटी दिल्ली से पढ़े दीपिंदर गोयल के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने इसे अपने साथ काम करने वाले पंकज चड्ढा से शेयर किया। दोनों ने मिलकर कैंटीन के मेन्यू कार्ड को ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर डाल दिया। उनका ये कॉन्सेप्ट बेहद पॉपुलर हुआ। दोनों ने मिलकर इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया और 2008 में ई फूडी वे लॉन्च कर दिया। फूडी वे नाम की वेबसाइट में दिल्ली एनसीआर के रेस्टोरेंट और उनके मेन्यू कार्ड की लिस्टिंग होती थी। इससे लोगों को घर बैठे खाने की जगहों और खाने के आइटम्स के बारे में पता चल जाता था। ये मार्केट में मौजूद एक समस्या का समाधान था। लोगों ने इसे पसंद किया और तकरीबन 9 महीने में ही 2000 से ज्यादा रेस्टोरेंट जोड़कर फूडी वे दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गया। आइए अब जानते हैं जोमैटो के तौर पर री ब्रांडिंग और इसका फैलाव। फूडी वे का आइडिया चल पड़ा था, अब दीपिंदर और पंकज इसे बड़ी स्केल पर फैलाना चाहते थे। इस रास्ते में एक बड़ी समस्या फूडी वे के नाम के साथ थी। यह आसानी से जुबान पर नहीं चढ़ता था और ईबे से मेल खाने की वजह से कंफ्यूजन भी पैदा करता था। फाउंडर्स ने 2010 में फूडी वे का नाम बदलकर जोमैटो कर दिया और इसकी रीब्रांडिंग की। जोमैटो कुछ कुछ टोमेटो से मिलता जुलता है। दिल्ली में बेहद सफल रहने के बाद जोमैटो पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में भी शुरू हुआ। 2012 में जोमैटो ने देश के बाहर भी अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआती देशों में श्रीलंका, यूएई, कतर, साउथ अफ्रीका, यूके और फिलीपींस शामिल थे। अगले साल यानी 2013 में जोमैटो की लिस्ट में न्यूजीलैंड, तुर्की और ब्राजील भी जुड़ गए। आइए बात करते हैं इसके मुश्किल दौर की। 2015 का मुश्किल दौर और भयंकर छटनी। ग्रोथ के ट्रैक पर फंडिंग की सवारी करते हुए जोमैटो लगातार फैल रहा था, तभी आया साल 2015 का मुश्किल दौर। जोमैटो को रेवेन्यू जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कंपनी के खर्च कम करने के लिए एक बड़ी छटनी हुई और करीब 300 कर्मचारी निकाल दिए गए। 2016 भी रेवेन्यू के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए कंपनी ने विदेशों में अपने विस्तार को रोक दिया। 2015 में जोमैटो के साथ एक अच्छी बात भी हुई, उसने मैपल ओएस का अधिग्रहण किया और नया कस्टमर डेटाबेस तैयार किया। अब जोमैटो के जरिए ऑनलाइन टेबल रिजर्व करना और ऑनलाइन बिल पेमेंट संभव हो गया था। अब हम जानते हैं जोमैटो के द्वारा नए एक्सपेरिमेंट के लिए लगातार किस तरीके से कोशिशें की गई। दीपिंदर गोयल ने अपना पूरा फोकस प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर रखा। नए इनिशिएटिव की जिम्मेदारी पंकज चड्ढा और 2015 में जोमैटो
ज्वाइन करने वाले गौरव गुप्ता के कंधों पर रही। पंकज चड्ढा ने जोमैटो गोल्ड और क्लाउड किचन इनिशिएटिव शुरू किया। गौरव गुप्ता ने कंपनी के न्यूट्रिशन बिजनेस को आगे बढ़ाया। इसके अलावा ग्रोसरी डिलीवरी भी शुरू की गई। इनमें से कई एक्सपेरिमेंट असफल भी रहे और थोड़े वक्त में बंद हो गए। जोमैटो में एक ट्रेंड सीनियर मेंबर्स के इस्तीफे का भी रहा है चर्चा। को-फाउंडर पंकज चड्ढा ने 2018 में जोमैटो से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसकी कोई पुख्ता वजह नहीं बताई। इस्तीफा देने के बावजूद जोमैटो में उनका शेयर बरकरार रहा था। एक और को-फाउंडर गौरव गुप्ता ने सितंबर 2021 में जोमैटो छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने भी इसकी कोई पुख्ता वजह नहीं बताई। अब हम जानते हैं कि जोमैटो की कमाई का जरिया क्या है। जोमैटो के कई रेवेन्यू मॉडल हैं। रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी पर कमीशन लेकर जोमैटो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जुटाता है। जोमैटो की वेबसाइट्स और ऐप पर रेस्टोरेंट्स के पेड विज्ञापन होते हैं। इसके अलावा इवेंट एडवर्टाइजिंग और काउंसलिंग सर्विस के लिए भी पैसे चार्ज करता है जोमैटो। तमाम सोर्स से कमाई के बावजूद जोमैटो घाटे में चल रहा है। अब हम समझते हैं इस बात को कि जोमैटो के कॉम्पिटिटर्स और इसका भविष्य क्या है। भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बाजार इस वक्त करीब $5 बिलियन यानी कि करीब 36,000 करोड़ रुपए का है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी फिलहाल जोमैटो की ही है। इसका सीधा मुकाबला स्विगी के साथ है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में स्विगी ऐप की पॉपुलैरिटी करीब 8% थी, जो 2021 में बढ़कर 44% पहुंच गई। कई जगह स्विगी जोमैटो को भी पीछे छोड़ता दिख रहा है। इसके अलावा जोमैटो एक वक्त पर अपना बिजनेस अलग अलग सेक्टर्स में फैलाना चाहता था। उसने वापस फूड बिजनेस पर ही फोकस ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये है जोमैटो, जो हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी सफलता की कहानी जो हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बन जाती है। तो आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।